तो न्यू लाइट एकेडमी महेंद्रगढ़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश की शुरुआत 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश का काल था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के क्या कारण थे कि इतना महान सम्राट और भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कैसे बना? चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के तीन कारण थे। पहला कारण था सिकंदर। और दूसरा कारण था चाणक्य। तीसरा कारण था मगध। भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और मगध पर शासक था नंद वंश का, धनानंद का। इधर सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया के अंदर हुआ। सिकंदर संपूर्ण यूनान पर अधिकार प्राप्त कर लेता है और ईरान पर विजय अभियान आरंभ करता है और विश्व विजेता का सपना देखता है। उस समय भारत के जनपद गांधार की सीमा ईरान से लगती है। जैसे ही सिकंदर ईरान पर आक्रमण करता है उसकी हलचल होती है तक्षशिला के अंदर, और तक्षशिला उस समय भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला का जनक राजा भरत को माना गया है। राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला की स्थापना की थी। जैसे ही सिकंदर ईरान पर आक्रमण करता है उसकी हलचल होती है तक्षशिला के अंदर, और यहाँ पर एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। उस समय चाणक्य सुझाव देता है कि सिकंदर को रोकने का एक ही तरीका है, अखंड भारत का निर्माण। और वह यह प्रस्ताव लेकर धनानंद के पास आता है। धनानंद उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और उसे अपमानित करके राजसभा से बाहर भेज देता है। उस समय चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि वह अखंड भारत का निर्माण करेगा और घनानंद की समाप्ति करेगा। जब वह रास्ते से गुजर रहा होता है वहां उसकी मुलाकात एक शिकारी से होती है।
जिसके पास 10-15 गुलाम थे। चाणक्य इसी शिकारी से एक गुलाम को खरीदता है और यही गुलाम आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। इधर सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत पर अभियान चलाता है और झेलम का युद्ध, जिसे विस्ता का युद्ध कहा गया है, पंजाब के शासक पोरस के साथ करता है। एक साल बाद 325 ईसा पूर्व वह भारत से वापसी करता है, क्योंकि उसकी सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। व्यास नदी पंचनंद की सबसे चौड़ी नदी है। 33 वर्ष की आयु के अंदर 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बहु केफला और अपने बहु केफला घोड़े के नाम पर वह एक शहर का निर्माण करता है, बहु केफला झेलम नदी के किनारे। अब आता है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। इसकी माता का नाम था मुर्रा और ये मोर पालक का कार्य करते थे। इसी दोनों के नाम पर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है तथा अपना चिन्ह रखता है मोर का। 323 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब अभियान पर जाता है, जिसको बोलते हैं राज्य रोहण नीति। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध पर अधिकार प्राप्त कर लेता है और वहीं से मौर्य वंश की शुरुआत होती है। 305 ईस्वी के अंदर सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, इसके साथ पंजाब में युद्ध करता है तथा इसको परास्त करता है और इसकी पुत्री हेलिना के साथ विवाह करता है। भारतीय इतिहास में ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह समझौता था जो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलिना के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य इसको सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। 298 ईसा पूर्व श्रवण बेल गोला के अंदर उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। अलग अलग विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नाम दिए हैं। अलग अलग वंश से संबंधित बताया है।
विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस के अंदर इसको वर्सल कुल का बताया है। वर्सल कुल का अर्थ होता है निमन कुल का। टेरिन ने इसको उपाधि दी सेंड्रोकोर्स की उपाधि। सेंड्रोकोर्स की उपाधि दी थी एरिन ने। 304 ईसा पूर्व इसके राज दरबार में मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वो भारत आता है और 299 ईसा पूर्व तक भारत के अंदर रहता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था में सबसे अधिक योगदान था कौटिल्य चाणक्य का। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। इसने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है। सुदर्शन झील का निर्माण कार्य करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने के ऊपर। और सुदर्शन झील में पानी आता है प्लासनी नदी से। ये था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कि किस प्रकार वो पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट बना। कि भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने 16 महाजनपदों को एक किया था और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान उसकी मृत्यु हुई। अगली वीडियो के अंदर हम मौर्य वंश पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि 298 में शासन शुरू होता है बिंदुसार का।